हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शाय स्टाइल्स। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक हेयर केयर प्रोडक्ट का रिव्यू। और बहुत सारे ब्लॉगर्स ने इस प्रोडक्ट का रिव्यू किया है। सो कुछ टाइम पहले मुझे वेदिक्स ने कॉन्टेक्ट किया था थ्रू मेल। सो उस टाइम मैंने उधर हाँ नहीं बोला। मुझे सडनली याद आया कि निधि ने इस प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू किया है। मैंने निधि से ही पूछा कि क्या ये प्रोडक्ट सच में अच्छे हैं, वर्क करते हैं कि नहीं। सो निधि ने बोला कि ये सच में अच्छे हैं, स्पेशली उनका जो सीरम है वो निधि को बहुत पसंद आया। सो मैंने कहा डेफिनेटली फिर मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। देन आई सेड येस टू वेदिक्स। सो वेदिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही यूनिक और बहुत ही डिफरेंट है किसी और हेयर केयर प्रोडक्ट या हेयर केयर रेजीम से, बिल्कुल ही अलग है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। ये है वेदिक्स के प्रोडक्ट का आउटर बॉक्स। सो वेदिक्स जो है वो एक कस्टमाइज आयुर्वेदिक हेयर केयर रेजीम है। सो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही डिफरेंट है। ये प्रकृति बेस्ड है। सो हैव यू एवर हर्ड प्रकृति बेस्ड हेयर केयर प्रोडक्ट? सो सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट हैं वैसे इसके अंदर। सो ये प्रकृति बेस्ड मतलब 3 एलिमेंट्स होते हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कापा, वत और पित या पिता, मुझे नहीं पता क्योंकि ये संस्कृत वर्ड है। सो इन 3 चीज़ों पे ही बेस्ड है जो भी ये प्रोडक्ट कस्टमाइज करते हैं। और ये कस्टमाइज जो प्रोडक्ट है अकॉर्डिंग टू योर नीड, अकॉर्डिंग टू योर हेयर नीड, अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, और वो सिर्फ और सिर्फ आपके हेयर टाइप के ही अकॉर्डिंग भेजेंगे। सो ये काम कैसे करता है और ये सबसे यूनिक क्यों है? सो जब आप वेदिक्स की वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे वो सबसे पहले आपको देंगे क्वेश्चनेयर। उस क्वेश्चनेयर को आपको फिल करना है और वो कुछ ऐसे नहीं है कि आपको जर्नल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, नहीं। वो बहुत ही डीप क्वेश्चनेयर होता है जिसमें वो स्टार्ट करेंगे आपकी एज से, आपकी डाइट से, आपका स्लीपिंग पैटर्न तक पूछा जाएगा, आपका डाइट पैटर्न पूछा जाएगा, आपके नेल्स का कलर, आपके लिप्स का, आपकी आई साइट, आपका आई का कलर, आपके सबसे मेन जो है फिर वो आपके बॉडी का भी पूछेंगे, आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल का भी पूछेंगे और आपके हेयर टाइप पूछेंगे, आपने कोई ट्रीटमेंट कभी लिया है, ड्राई है, फ्रिजी है, ऑयली स्कैल्प है, आप ऑयलिंग करते हो नहीं करते, मतलब इतने सारे क्वेश्चन होंगे। मोर देन 40-50 क्वेश्चन होते हैं गाइज, और इतने ज्यादा डीप कि आई डोंट थिंक सो अगर कभी आप कोई हेयर केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास भी जाते हो तो वो भी आपसे इतना डीप नहीं पूछता। वो भी आपसे सुपरफिशली पूछेगा कि आपकी डाइट क्या है, या फिर आपका स्लीपिंग पैटर्न क्या है, या फिर आपका हेयर कंसर्न क्या है। बट वेदिक्स में आपको मोर देन 50 क्वेश्चंस होते हैं, अराउंड 50 क्वेश्चंस होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ आपसे रिलेटेड हैं, और उसमें जो आप आंसर दोगे वो भी आपके होंगे। और आई नो ये बहुत एक सब्जेक्टिव है कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि हर किसी की नीड्स अलग है, हर किसी की प्रॉब्लम्स अलग हैं। सो मेरी जो प्रॉब्लम है, मेरी जो हेयर प्रॉब्लम थी, तो मैंने सोचा कि बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है, क्यों ना लेके दिया जाए, क्योंकि हर कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करता है, चाहे वो बॉडी की हो, चाहे वो फेस की हो, चाहे वो आपके बालों की हो, हर किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। आई डोंट थिंक सो कि कुछ भी परफेक्ट होता है, अगर होता है तो दे आर लकी, बट या सब कुछ ना कुछ होता है। सो यू गाइज नो दैट कि आई हैव वेरी वेरी थिन हेयर, सी इतने ही बाल है मेरे पास सिर्फ। सो आई हैव वेरी थिन हेयर, और फर्स्ट कंसर्न कि मेरी बहुत थिन हेयर है। सेकेंड कंसर्न मेरा ये है कि मेरे बालों की ग्रोथ बहुत कम है, मेरे बाल बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ते, बढ़ते हैं बट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ते, और जो बढ़ते हैं तो हेयर फॉल भी एक प्रॉब्लम होता है। सो हेयर फॉल की वजह से वो उतनी लेंथ नहीं ले पाता। एंड द मेन प्रॉब्लम जो मैंने इस टाइम फेस की है, क्योंकि हर टाइम कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें फेस करते हो आप, जो मेरी फेस की है मैंने, वो है मेरे प्री मेच्योर ग्रे हेयर्स। सो अभी आई नो ग्रे हेयर्स की एज नहीं हुई है, आई नो, बट या आजकल आई थिंक सबको होता है, क्योंकि आपका डाइट इतना ख़राब होता है, आपका सनलाइट एक्सपोजर इतना ज़्यादा होता है, एंड स्ट्रेस, ये कुछ कारण हैं जो प्री मेच्योर के लिए होते हैं। सो मैं आपको दिखा देती हूँ, अगर आप यहाँ से ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ भी दिखाई देंगे, और नहीं दिखाई देते तो लेट मी शो यू गाइज, कैन यू सी दिस? हर बार आपको मेरे वाइट हेयर्स दिखाई देंगे। I have so many white hairs. Like, look at that. See, I have so many. सो मुझे जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लगती है वो कि मेरे पास एक दो बाल जब भी होते थे मैं वाइट हेयर्स तोड़ देती थी, तो मेरे वो प्री मेच्योर हेयर जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ गए हैं। इस पार्ट में तो पहले थे, अब इस पार्ट में भी स्टार्ट हो गए हैं। फ्रंट में भी अगर मैं मिड पार्ट करती हूँ तो समटाइम्स दिखाई देते हैं, एंड वो बड़े अच्छे चमकदार बाल दिखाई देते हैं। एंड नेक्स्ट जो प्रॉब्लम मुझे लगती है कि मेरे फ्रंट सेक्शन के यहाँ वाले बाल थोड़े से कम हैं,
यहाँ से, क्योंकि फ्रंट में आप कोई भी हेयर स्टाइल करते हो तो वो फ्रंट में ही दिखाई देता है। तो ये कुछ हेयर कंसर्न जो मेरे थे, तो मैंने पूरा क्वेश्चनर लिया वेदिक्स का और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि मैंने अभी तक कभी नहीं देखा कि कोई आपसे इतने डीप क्वेश्चंस पूछ रहा है रिगार्डिंग कि आपकी क्या क्या ये चीज़ें हैं, क्या वो हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, लिटरली नेल्स का कलर तक भी वो लोग पूछते हैं। सो मैंने पूरा क्वेश्चनर फिल किया। सो क्वेश्चनर कंप्लीट करने के बाद जो रिजल्ट आता है, यानी वेदिक्स का जो यू नो क्वेश्चनर एनालाइजिंग वाला जो प्रोसेस है, उसको कंप्लीट करने के बाद वो एनालाइज करते हैं एंड देन वहाँ पे आपके रिजल्ट निकल के आता है कि आपका क्या हेयर टाइप है और क्या आपके यू नो क्या कंसर्न है और क्या गोल्स हैं जो कि वो पूरा करते हैं। सो यहाँ पे मेरे पास कंप्लीट पूरा एक चार्ट है। सो मैंने फ़ोन से लिया था तो मैंने उसकी स्क्रीनशॉट प्लस रिकॉर्डिंग अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग रखी थी कि मैं आपको दिखा सकूं। सो यहां पे जो सबसे पहले है वो है कि हाय शाय स्टाइल्स, दिस इज डॉक्टर वर्षा प्रबाला चीफ फॉर्मुलेटेड ऑफ फॉर्मुलेटर एट वेदिक्स। थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग द वेदिक्स डोशा असेसमेंट क्वेश्चनर। आई विल बी टेकिंग योर थ्रू योर आयुर्वेदिक हेयर एनालाइजिस। ओके, सो एनालाइज के बेसिस पे जो मेरे थ्री डोशाज या आई थिंक आई एम प्रोनाउंसिंग राइट, वत जो कि एयर है, इतर पित्त जो कि फायर है एंड कपा जो कि वाटर है, इन तीनों बेसिस पे जो इंटरनल बॉडी मैकेनिज्म है मेरा उसको एलिवेट किया, इन्होंने एनालाइज किया है। द सिंपल मीनिंग ऑफ डोशा इज डिफेक्ट, बट इन आयुर्वेदिक कॉन्टेस्ट अ डोशा सिंपली डिफाइंस अ वीकनेस और अ वर्नेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर नेचर ऑफ अ पर्सन। सो काफ़ी डेप्थ में अगर आपको यू नो जानना है कि क्या क्या है तो वो पूरा कुछ ये लोग मेंशन करते हैं। सो इन अदर वर्ड्स इट्स अ मैप आउट, इन्होंने एक पूरा पाई चार्ट बनाया है डोशा प्रोफाइल, जिसमें वो क्लियरली मेंशन कर रहे हैं शाइस्टेस करंट आयुर्वेदिक प्रोफाइल, जिसमें वत कितना है, पित्त कितना है और कपा या कापा कितना है। तो मेरा जो मेन फोकस है वो है पित्त एंड कापा। सो वत मेरा जो है वो ठीक है, यानी वत मीन्स मेरा एयर ठीक है। ऑलराइट, सो योर डोमिनेंट डोशास आर कपा एंड पिता, जैसे बताया मैंने पित्त सॉरी बैलेंसिंग और दीज टू डोशास। तो मेरे को इन दो के ऊपर वेदिक्स जो है इन दो डोशास या डोशास के ऊपर वो पॉइंट कर रहा है एंड इज द की टू स्टॉप योर हेयर फॉल। सो मुझे हेयर फॉल होता है बट मेरे को एक साथ बहुत ज़्यादा हेयर फॉल नहीं होता है, मतलब जब मैंने कॉम किया तो हेयर फॉल हुआ या फिर मैंने यू नो कोई हेयर स्टाइल किया तो हेयर फॉल हुआ, शैम्पू किया, हेयर ऑयल किया, तो मेरे को इस तरीके से हेयर फॉल होता है। सो शाइजल्स करंट हेयर प्रोफाइल इज स्ट्रेट विद हेयर टाइप इज अ स्ट्रेट विद कपा पित हेयर फॉल कंसर्न है। मेरा स्कैल्प जो इन्होंने एग्जैक्टली बताया है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो बताए हैं हेयर एंड स्कैल्प के, वो ऑयली विद डैंड्रफ। आई एम सो अमेज्ड गाइज, माय हेयर स्कैल्प इज ऑयली लाइक 24/7 और साल के 12 महीने मेरा स्कैल्प जो है वो ऑयली रहता है और उस ऑयल के अंदर मेरा डैंड्रफ भी है और मेरा डैंड्रफ जो है वो झड़ने वाला डैंड्रफ नहीं है, वो यू नो स्कैल्प में ही रहता है, काफ़ी कुछ करने के बाद भी वो जाता नहीं है। तो ये मेरा मेन कंसर्न है और इन्होंने मेरे बिल्कुल एग्जैक्टली स्कैल्प और हेयर को डिफाइन किया और ईजिली ब्रेक हो जाते हैं, स्पेशली जो मेरे एंड्स हैं अगर मैं ऐसे कर दूँ तो ये मेरे बाल टूट जाते हैं, इतना ज़्यादा मेरा जो है वो प्रॉब्लम है, बहुत ईजिली ब्रेक हो जाते हैं क्योंकि काफ़ी थिन है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रोफाइल एंड ये पाई चार्ट के इन्होंने दो गोल सेट किए, बैलेंस योर डिस्ट्रेस्ड कपा पित्त डोशास विद द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ हर्ब। सेकेंड गोल है यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हर्बल एक्सट्रैक्ट टू स्ट्रेटन योर हेयर्स रूट्स एंड प्रमोट न्यू हेयर ग्रोथ। सो ये दो चीज़ें करने हैं इस चीज़ पे। सो इसके लिए जो प्रोडक्ट हैं वो है ऑयल, सीरम एंड शैम्पू। सो गाइज, ऑन द बेसिस ऑफ दिस एनालाइज पाई चार्ट एंड प्रोफाइल, सो वेदिक्स हैज सेंड टू मी देयर कस्टमाइज हेयर ऑयल, शैम्पू एंड सीरम। सो इस तरीके से बॉक्स आपको रिसीव होगा और इसमें आपकी तीन प्रोडक्ट्स होंगे। ये जूट बैग की तरह आता है, मैं भी दिखा देती हूँ आपको, ये जूट बैग है, इसके अंदर आता है। सो यू कैन से कि प्लास्टिक पॉजिटिव भी है ये, बहुत ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ नहीं किया कार्डबोर्ड। तो तीन प्रोडक्ट आपको रिसीव होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर हेयर एनालाइज जो भी आप कहेंगे, एंड उसके साथ आपको कुछ पैम्पलेट वगैरह भी रिसीव होता है, सब कुछ आपको यहाँ क्लियरली मेंशन होता है। दिस इज हाउ इट लुक्स, ये सो यहाँ पे अलग अलग लिखा हुआ है वैदिक प्रकृति टाइप्स, वत पित कप आ वत 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 कप
ऐसे करके। ऑलराइट, सो दिस इज हार्ड लुक्स, ये रिसीव होता है। इसमें बहुत ही क्लियरली मेंशन किया है कि आपको कौन से प्रोडक्ट रिसीव हुए हैं। मुझे यहाँ पे रिसीव हुआ है वेदिक्स का एंटी हेयर फॉल ऑयल, सेकेंड प्रोडक्ट है वेदिक्स एंटी हेयर फॉल शैम्पू एंड वेदिक्स हेयर ग्रोथ सीरम। सो शैम्पू एंड ऑयल का जो क्वांटिटी है वो 100 ml एंड सीरम इज 50 ml, और उनके बारे में भी सब कुछ लिखा हुआ है। सो फर्स्ट प्रोडक्ट इज दिस ऑयल गाइज, दिस इज हाउ इट लुक्स। 100 ml की बॉटल है, आई थिंक विच इज इनफ फॉर अगर आप वीक में दो बार कर रहे हो तो भी आपका ये आराम से चल जाना चाहिए 1 month। सो नेक्स्ट जो है वो है एंटी हेयर फॉल शैम्पू। ये पैराबिन सल्फेट फ्री शैम्पू है एंड इट जेंटली क्लेंजेज योर स्कैल्प, ऑल्सो मेंटेन योर स्कैल्प पीएच बैलेंस। एंड नेक्स्ट एंड जो लास्ट प्रोडक्ट है वो है ये हेयर सीरम, वेदिक्स हेयर ग्रोथ हेयर सीरम। एंड आई थिंक मेरे को ये ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि सुनने में ऐसा लग रहा है हेयर रीग्रोथ, नॉट हेयर ग्रोथ, रीग्रोथ, यानी जो बाल आपके बहुत ज्यादा जा चुके हैं, टूटते हैं, यू नो हेयर फॉल की वजह से, उनको रीग्रो करने में। सो दिस इज हाउ इट लुक्स, एंड रीग्रो योर हेयर विद नॉन ग्रीसी एंड क्विक एब्जॉर्बिंग हेयर सीरम। द सीरम ऑल्सो कीप्स योर हेयर हेल्दी, बाउंसी एंड शाइनी। सो दीज आर द 3 प्रोडक्ट्स जो कि आपके हेयर यू नो टाइप के अकॉर्डिंग वेदिक्स आपको सेंड करता है जब आप ये क्वेश्चनर और एनालाइज कराते हो तो। एंड नेक्स्ट इधर चार्ट में आपको दिया हुआ है आपका वीकली प्लानर कि आपको हेयर सीरम, हेयर ऑयल एंड शैम्पू को किस तरीके से यूज करना है। लाइक मंडे अगर आप ऑयल कर रहे हो तो ट्यूजडे को आपको शैम्पू करने के बाद रात में या फिर कभी भी सीरम लगाओ। नेक्स्ट अगेन आपको वेनसडे को ऑयलिंग करना है, शैम्पू करना है थर्सडे को, एंड देन सीरम शैम्पू के बाद। सो सीरम जो है वो जो हेयर सीरम है वो वाटर बेस्ड है। सो ये सबसे बेस्ट पार्ट है कि वाटर बेस्ड सीरम है तो आप अपने स्कैल्प में जब लगाओगे तो ये ऑयली नहीं रहेगा। अगर आप रात में आज लगा रहे हो, आपको कल जाना है, आपको ऑयलिंग नहीं करनी है तो आप इसे बेझिझक लगा के जा सकते हो। सो ये सबसे अमेजिंग प्रोडक्ट है और निधि ने इसके बारे में ही बात करी थी कि उसको सबसे ज़्यादा पसंद है। यहाँ पूरा चार्ट दिया हुआ है किस तरीके से आपको यूज़ करना है, वो चीज़ भी दी हुई है। एंड इसके बैक साइड पे दे हैव मेंशन हर्बल इंग्रेडिएंट है इसके अंदर, सेफ एंड इफेक्टिव है, डॉक्टर फॉर्मुलेटेड है, ऑथेंटिक आयुर्वेदा, ये आयुष सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं, एनी ब्रांड, एनी सिलिकॉन फ्री है। इस बैक साइड पे यहाँ पे मेंशन है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। सो या कि आपको शैम्पू के बाद कंडीशनर इसमें नहीं इंक्लूड है तो कौन सा कर सकते हैं, या फिर आप इसे कितने टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, तो सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। और इसके बेस्ट रिजल्ट के आपके और इसके बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको 3 month तक इस पूरे हेयर के रिजीम को यूज़ करना है। सो वेदिक सेंड मी दिस बॉक्स, 1 month का पैक है जो। सो मैंने इसको ऑलमोस्ट, मैं ये नहीं कहूँगी एक महीना नहीं हुआ मुझे, अराउंड मोर देन 14 days हो चुके हैं, यू कैन से 20 days, मुझे काफ़ी पहले यूज़ हो गया था। आई थिंक मैंने इंस्टाग्राम पर भी स्टोरी पोस्ट की थी। तो मुझे सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगा वो इसका हेयर ऑयल है और इसके हेयर सीरम, और तो मैंने उसके बेसिस पे सेकेंड बॉक्स अपने आप से खुद से ही ऑर्डर कर लिया है। सो जो एक्चुअल पैकेजिंग है मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से आपको एक जूट बैग में जिसमें वेदिक्स लिखा हुआ है एंड अगेन पैम्फलेट एंड कार्ड रिसीव होगा, इसमें सेम वही 3 प्रोडक्ट है अकॉर्डिंग टू माई हेयर एनालाइज। तो मैंने एक और बॉक्स मंगा लिया ताकि मैं सेकेंड टाइम तक यूज़ कर पाऊँ। एंड या थर्ड मैंने इसलिए भी नहीं मंगाया क्योंकि मेरे को 3 महीने तक से ट्राई करके देखना है। इन बिटवीन आई लाइक टू यूज़ अदर प्रोडक्ट ऑल्सो, क्योंकि मैं रिव्यू पर्पज से भी करती रहती हूँ एंड इंटीग्रेशन वीडियोज भी करती रहती हूँ। आई लाइक हेयर सीरम, आई विश कि वेदिक्स के अंदर उनका हेयर सीरम, सॉरी हेयर मास्क होना चाहिए। आई लाइक हेयर मास्क, सो आई विश कि हेयर मास्क भी होना चाहिए। या ओके, सो इसमें जो फर्स्ट प्रोडक्ट है मैं आपको बता दूं, हेयर ऑयल। तो मैं हेयर ऑयल कैसे करती हूँ, मैं वीक में 2 बार एटलीस्ट करती हूँ, कभी कभी 3 भी हो जाता है। मेरा कोई एकदम हार्ड रूल नहीं है कि नहीं मुझे ऑल्टरनेट डेज पे ही करना है, बिकॉज गाइज मैं हर चीज़ के लिए एकदम यू नो परफेक्टली नहीं जा सकती हूँ। इट डिपेंड्स कि मैं रात में लेट तो नहीं हूँ, रात में लेट तो नहीं आई, या तो मुझे कल कहीं सुबह सुबह जल्दी तो नहीं जाना। ये सारी चीज़ों को देख के ही मैं हेयर ऑयलिंग वगैरह करती हूँ। एंड मैं हेयर ऑयल इसलिए भी करती हूँ क्योंकि मेरी स्कैल्प जो है वो बहुत ऑयली है, तो इसलिए मैं वीक में 2 बार पसंद करती हूँ। येस, आई लाइक टू यूज़ हेयर सीरम सो फ्रिकिंग मच। एंड मैंने मोस्टली लोगों को देखा है हेयर सीरम को, यू नो ये री ग्रोथ हेयर सीरम है जो कि आपके हेयर फॉलिकल्स में असर करेगा एंड यू नो अंदर से नए बाल ग्रो करने में हेल्प करता है। एंड शैम्पू एंड कंडीशनर, जो शैम्पू और ऑयल है वो प्री मेच्योर हेयर ग्रोइंग को भी कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। सो मैं इसको सिर्फ और सिर्फ फ्रंट सेक्शन में यूज़ नहीं करती, मैं इसको पूरे में यूज़ करती। इट कम्स विद दिस ड्रॉपर
एंड इस तरीके का कुछ है। और ये जो ड्रॉपर आप देख रहे हो इससे मैं अपने ऑयलिंग भी करती हूँ, तो मेरे को इसे यूज करना बहुत ही सही लगता है। आपको सिंपली इस तरीके से करना है और ये बिल्कुल वाटर है एंड सिंपली ये आपके स्कैल्प में बहुत अच्छे से बैठ जाता है। ये फर्स्ट प्रोडक्ट, ये सेकेंड प्रोडक्ट है एंड थर्ड जो है वो शैम्पू है। शैम्पू अगर लंबे बाल हैं तो उसके लिए क्वांटिटी बहुत कम है, मेरे छोटे बाल हैं तो अगर मैं वीक में दो बार कर रही हूँ तो ये मेरे लिए 1 मंथ तक का ठीक है। बट आप हमेशा शैम्पू को चाहो, अगर चाहते हो कि कम यूज़ हो तो पानी में मिक्स करके लगाओ। डायरेक्टली अगर शैम्पू आप ले रहे हो तो वो ज़्यादा ही लगेगा। सो इट हैज़ एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, कुमारी, कीनुआ, वाओ डाई कॉन्शियस, भृंगराज एंड यष्टि मधु और शैम्पू बेस एंड प्रिजर्वेटिव्स और ये सारी चीज़ें इसमें मिली हुई हैं। इंस्ट्रक्शन वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। सो ये 3 प्रोडक्ट्स मुझे सेंड हुए हैं। तो मेरे को 20 डेज में क्या असर दिखाई दिया कि ये बिल्कुल बालों को ड्राई नहीं करता शैम्पू, और बहुत ही हल्का है अप्लाई करने में, मतलब बाल में लगाने के बाद आपको बहुत ऑयली सा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा हैवी ऑयल लगाया है। इजली लगा के इसे सो सकते हो। नेक्स्ट डे आपको वॉश करना है इसी शैम्पू की हेल्प से एंड उसके बाद जिस दिन शैम्पू किया उस दिन मैं लगा लेती हूँ सीरम, दिन में या फिर आफ्टरनून में कभी भी, क्योंकि बिल्कुल ऑयली नहीं है ये। मैंने 1 मंथ का पैक तो है भी मेरे पास, अभी मेरे पास इसमें काफ़ी टाइम है, इसे मैं ऑलरेडी यूज़ कर सकती हूँ। 2nd मंथ के लिए मैंने खुद ही ले लिया है। गाइज आप चाहो तो वेदिक्स पे जब आप यू नो अगर अपने प्रोडक्ट को बाय कर रहे हो, फर्स्ट टाइम अगर आप बाय करो तो डेफिनेटली आप 1 मंथ का पैक ले सकते हो। बट अगर आपको सूट करता है या अगर आपको वो अच्छा लगता है, आपके बालों पे वो असर दिखाता है, तो आप इसके अदर प्लान्स जो हैं जैसे कि 3 मंथ, 6 मंथ एंड 12 मंथ्स, वो प्लान्स भी ले सकते हो। उसमें आप काफ़ी अच्छा अमाउंट सेव कर सकते हो क्योंकि अकॉर्डिंग टू द प्लान्स आपको कुछ डिस्काउंट मिल रहा है। सो इसमें 3 प्लान्स हैं वो आप ले सकते हैं। सो मैं अगर मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगे मुझे कि हाँ ये मेरे बालों में उतना अच्छे असर कर रहे हैं, सो डेफिनेटली मैं 3 मंथ का प्लान लूँगी। एंड ये दोनों बॉक्स फिनिश होने के बाद मैं अपडेट अबाउट दिस वेदिक्स हेयर केयर, आयुर्वेदिक हेयर केयर के ऊपर और एक और वीडियो बनाऊंगी या फिर अपनी किसी वीडियो में मेंशन करूंगी कि मेरे दोनों फिनिश होने के बाद कैसा आपको एक्सपीरियंस रहा। एटलीस्ट मैं चाहती हूं कि मैं नवंबर, अक्टूबर या पूरे इस मंथ के, इस साल के एंड तक ट्राई करके देखूं, क्योंकि दिस इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस जो कि मैं कोई कस्टमाइज हेयर केयर प्रोडक्ट यूज कर रही हूं। सो या डेफिनेटली आप भी इनका क्वेश्चनर ले सकते हो और वहां पे आपका जो पाई चार्ट या फिर जो प्रोफाइल निकल के आएगी उससे आपको खुद ही आप पता लगा सकते हो कि कितना सच है कितना नहीं, ये आपके बालों के लिए असर करेगा या नहीं। तो मैं प्रोडक्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप चेक कर लीजिएगा। और या आई होप आपको ये वेदिक्स कस्टमाइज आयुर्वेदिक हेयर केयर रेजिम के ऊपर वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक, शेयर में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में गाइज आपसे, बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस।